पहले था ना, मार्केट में होते फिर ना मारते घर में चलते है ना। Hey everybody, welcome back to the channel. This is Viraj Vishwajit and guys, जैसे सारे भाइयों को पता है, हमारा एक भाई है फिटनेस इंडस्ट्री का जिसका नाम है पंकज वर्मा। उसके साथ भाई बहुत गलत हुआ है, बहुत मार पिटाई हुई है उसके साथ। सर्वर फाड़ दिया बेचारे का, पैर में चोट लग गई है बहुत ज्यादा। अभी मेरी कल बात हुई, मैं मम्मी पापा के साथ तीर्थ यात्रा में बिजी था, थोड़ा सा वृंदावन गया हुआ था मम्मी पापा को लेकर, तो खबर मुझे थोड़ी सी लेट मिली। तो जब मैंने वृंदावन वाला व्लॉग डाला तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट ये थे कि जस्टिस फॉर पंकज वर्मा, जस्टिस फॉर पंकज वर्मा, भैया पंकज भाई की हेल्प करो। तो भाई जैसे ही पता लगा तो मैं जा रहा हूँ पंकज के पास। मेरे घर में आज एक फंक्शन है, मेरे पापा की मासा की मौसा की बेटी की शादी है, मतलब मेरी बुआ जी की शादी है, तो मैं वहां ना जाके पंकज के पास जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, अगर आप इस चीज को ले पाओ तो ले लेना, कि किसी के सुख में पहुंचो ना पहुंचो, क्योंकि सुख में किसी का भी घर में खुशी है, सुख है, वहाँ बहुत लोग होते हैं यार, लेकिन दुख में किसी इंसान के पास कोई नहीं होता। तो किसी के सुख में कभी पहुंचो ना पहुंचो, दुख में पहुंच जाना सबसे पहले, क्योंकि दुख में सबसे पहले पिछवाड़ा दिखा के भागते हैं अपने लोग। और उस टाइम पर अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले, आपका कोई साथ दे दे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये मेरे से ज्यादा, मेरी फैमिली से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ टाइम देखा है। मेरी बहुत लोगों ने साथ दिया, नॉट आसपास वालों ने, लेकिन जिन्होंने मुझे YouTube के थ्रू देखा, Instagram के थ्रू देखा, आपको पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम में मेरी खुद की बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प करी, बहुत मेरे लिए प्रेयर्स करी, तो हमको अच्छी फीलिंग आती थी। जब भी हम कभी देखते थे, मेरे पेरेंट्स देखते थे कि मेरे सपोर्ट में कोई वीडियो बना रहा है, कोई मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, तो मेरे माँ बाप के जो आंसू गिरते थे वो थोड़ी देर के लिए, मतलब उनको तसल्ली मिल जाती थी। तो आज जब मैं घर से निकला, मम्मी पापा रोक सकते थे कि भाई शादी पे जाना, तू कहाँ जा रहा है, तो मम्मी पापा ने भी कहा ठीक है हम संजीव को ले जाएंगे, तू भाई किसी की हेल्प करने जाना है तो जा। और दूसरी चीज भाई, ऐसे टाइम में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मैं इस भाई को जानता नहीं हूँ, आउट ऑफ द वे जाके किसी कोई हेल्प नहीं करता, रोड पे निकलो कोई 10 रुपए भी नहीं देता भाई फ्री फंड में। अब क्या है, इसके तो हम दोस्त हो गए, तुम्हारे लिए भी अच्छे हो गए, लेकिन जिन लोगों ने इसको पीटा है उसका मैं बिना वजह दुश्मन हो गया। भाई अगर हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करने का मतलब है इसके सर में चोट लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो ये हो गई धारा 308 के तहत आपने किसी को जान से मारने की कोशिश करी, इसमें जेल होती है और इसमें बेल भी नहीं मिलती। तो जिन लड़कों ने इसको पीटा है उसके हम दुश्मन हो गए ऑटोमेटिकली। तो भाई किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं लेता, अपने भी नहीं लेते, रिश्तेदार भी नहीं लेते। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान इंसान हूं, बट अगर आप कभी किसी के लिए स्टैंड ले सकते हो तो आप लो। और किसी को कोई बिना वजह इतना नहीं मारता, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने इसको पीटा है तो कहीं ना कहीं भाई जो स्टोरी हमने, हो सकता है जो स्टोरी हमने सोशल मीडिया पे देखी है, इसके इंस्टाग्राम पे देखी है, पंकज के यूट्यूब पे देखी है, दोनों पक्षों की बात जब तक नहीं सुनते तो चीजें क्लियर नहीं होती। बट ठीक है भाई, भाई हमारा छोटा, हमें प्यार से उसने याद किया, बुलाया, तो भाई हम जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने। और आप तुम्हें एक बात मजे की बताता हूँ कि मैं भगवान से जब भी कुछ मांगता हूँ ना, वो पूरा जरूर होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। ये जो लड़का है पंकज वर्मा, इसके लिए ना, मतलब मैं इसके वीडियोस देखता था, ये लड़का टेलर किसी कंपनी में टेलर की जॉब करता था, ठीक है, वीडियो पूरा देखते रहना। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बहुत मेहनती लड़का है और बहुत आगे जाएगा। तो मैं एक बार ऐसे सोच रहा था कि इसकी मैं ना जरूर कभी लाइफ में मौका मिला तो हेल्प करूंगा। ये देखो 17 जनवरी को मैंने मैसेज किया हुआ इसे, ये जो इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ ये अब हुआ है 2023 में नवंबर में, और मैंने इसको 17 जनवरी को मैसेज किया हुआ है कि क्या हाल है हीरो की। इसका रिप्लाई अगर आएगा तो मैं इसको पूछूंगा कहाँ से है, कैसा है, और जो भी मेरे से हेल्प बन पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत देखता था, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, टेलर की जॉब कर रहा है, फिर जिम जा रहा है, फिर सप्लीमेंट के पैसे कहाँ से लाता होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा लाइफ में कभी। तो इसका रिप्लाई कभी आया नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम तो इसके बहुत कम फॉलोवर्स थे आज से 1 साल पहले। तो फिर भी मैंने आउट ऑफ द वे जाके मैंने कहा चल यार अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, मेहनत कर रहा है, करते हैं इसके लिए कुछ। तो ये मैंने दिल से चाहा, और वो घूम के देखो कहाँ से आया है, ऐसा कभी नहीं चाहा था भाई। भगवान कहाँ से कैसे रास्ते खोलता है कि भाई मेरा मन था इसके लिए कुछ करने का, तो वो मौका मुझे अब मिला है। किस रूप में मिला है ऐसा भगवान जी, कभी जिंदगी में ऐसा मत करना किसी के साथ। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं, और पहले रूबल भाई को ले लेते हैं। रूबल भाई का मतलब मैं और रूबल भाई तो एक ही है, हमारी बात हुई रात, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, कहते भाई मैं भी चलूंगा। तो पहले रूबल भाई को लेते हैं, रूबल भाई को लेके फिर चलते हैं भाई पंकज के पास, लच्ची। और भाई हमारे इंडिया का कानून ऐसे ही है, क्या बोले, मतलब बोलना नहीं चाहिए, कानून से पंगा भी नहीं लेना, और क्या ही बोलूं।
मतलब गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके लिए ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है, कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा पंगा है। चलो भाई लच्छी, हमसे कुछ हेल्प हो पाती है तो करते हैं और देखते हैं आगे। चलो 3 hours later. कह रहे ना कि आ जाओ यहाँ पे आके बात करते हैं। ना ना समझो तो ना। सारे भाई लोग के साथ ये देखो कैसा फट रहा है। देखो कितनी चोट आ रही है इसके। जा जा ले। पंकज बात जो बताई है 100% वही है। कुछ और देरी तो ना आ गई। कुछ और भी है कुछ भी नहीं भैया। 3 महीने में नोएडा में लगा के आऊँ अशोकनगर में, देखो पैर का क्या हालत बना रहे। नहीं वो तो मैं समझ गया, जो तेरे मारी है उन्होंने वो बात ठीक है। सारी बात यही है, बात कुछ और ना निकलनी चाहिए। देख कुछ नहीं निकलेगा भैया, जब मैं सच हूँ सच के ही बोलूंगा भैया। मैं लड़ाई झगड़ा किसी तो करता ही नहीं, किसी के लिए कोई बहस ही नहीं है मेरी आज तक। अंकल जी सब जी सारे लोगों को समझा दो। देखो सबसे पहली गलती जो है आजकल, देखो भरोसा किसी का है नहीं, यार दोस्ती अपनी जगह और काम जो भी करो वो लीगल अपनी जगह। इसने सबसे बड़ी गलती क्या करी, कर जाते हैं लोग कि पार्टनरशिप में काम करा और उसकी कोई लिखा पढ़ा तो नहीं करी ना। ना ना लिखा पढ़ी। तो भैया जब तुम दोस्त हो किसी के और कितनी भी गहरी तुम्हारी दोस्ती है, हमेशा कोई भी काम करो पहले तो करो ही मत, जहाँ पार्टनरशिप कर ली वहाँ दोस्ती खत्म। पैसे भी जाएंगे दोस्ती भी जाएगी, वरना एक चीज तो जानी जानी है, तो पैसा जाएगा या दोस्ती जाएगी। अननोन लोग के साथ चल जाएगी एक बार को जिनको आप जानते नहीं, पर दोस्ती में रिश्तेदारी में नहीं चलती। बहुत मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एग्जांपल है। 100% देखेंगे तो उनमें से 99% फेल देखे, 1% चल जाते हैं। दो बिजनेसमैन आपस में बिजनेस कर सकते हैं, दोस्त नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये मत करो, दूसरी चीज कहीं भी पैसा लगा रहे तो उसकी लिखा पढ़त कर लो। अब इसने 2 लाख जो तेरा जिम था वो कहाँ पे था? यही मॉडल टाउन में रिंग रोड पे फिटनेस फ्लोर नाम से भैया। तो तेरा खुद का था? या नहीं पार्टनरशिप में खुलवाया था ना उनके साथ, मैंने बोला था कि मेरा बजट है कम। पैसे कैसे दिए? कैसे दिए पैसे? मैंने ट्रांसफर करे हैं उन बंदों को जो जो सामान लगाए हैं जिम में, जैसे पीओपी वाले को दे दिया 30,000, इन्वर्टर वालों को दिया हूँ। अब इसका क्या सबूत मिलेगा? कोई भी सबूत है, कोई भी बात है। 70,000 भैया मैंने उसको दिया था डेकोरेशन वाले को, तो वो तो 70,000 लेगा तो बताएगा किस चीज के पैसे मेरे पास आए हैं। JBL स्पीकर मेरे क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप हो गया है, तो वो तो मेरे पास सबूत है, सारे पड़े मेरे पास। इतनी नौबत कैसे आएगी मारपीट की बात? इतनी नौबत ही आ गई ना कि जैसे मेरी फेस वैल्यू बन गई, जैसे मान लो कि आपको लोग जानते हैं तो आप जिस जिम में आए वो ये बात भी बढ़ गई, मेरे भी हुआ हमारी गेम ना हुआ, ये बात हो गए और फिर हो गया और थोड़े आगे बढ़ गए। चलो क्यों निकलवा गए? हां ना तो कोई बात हुई थी ना कुछ, अभी 21 दिन हुए थे मैंने। क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, जैसे थोड़ा सा उसके काम को मैं एक का तो लकड़ी का मेरा मैसेज देखा था ना, मैंने जनवरी का मैसेज डाला हुआ था उसमें। नहीं भैया मैंने जैसे पता ही बहुत ज्यादा मैसेज, आपको तो पता ही होगा ना। मैं समझ गया, मैंने मतलब अभी जैसे डाले ना, तो हमारा एक भाई था आदेश है, मैं पहले भी बता गया ना, तो मैं मैंने एक लड़का देखा मैंने यूट्यूब पे ऐसा, उसकी आवाज और आवाज शक्ल स्माइल बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम वो है। देखो दिखा दूं भैया, पता है बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, जब मैं नोएडा न्यू अशोकनगर में आया था ना आपके पास आने की वो थी, फिर मैंने बुलेट लेने की वो हो गई थी, तो मगर चलो पहले ले लेते हैं फिर भैया के जिम में चलेंगे इसी से और मिल के आएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में। किसी भी मेरे भाई की ख्वाहिश ऐसे पूरी ना हो जैसे इसकी हुई है मिलने की। देखो ये लड़का दिख रहा, मिलाना शक्ल इसकी सामने मिल गया भाई, हैरा बिल्कुल डिटो से। तो ये तो भाई दुनिया में रहा नहीं हमारा भाई छोटा, देख शर्म कितनी चोट लगी है, टांके लगे हैं कहां लगा ये यहां से यहां तक, मुझे भी तो बाल कटवाने पड़े ना पूरा, ये पूरा सर गया खून से भरा पड़ा। मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियो डाल रखी है, तकरीबन 3 महीने चलाया लगातार, खाओ ना भैया थोड़ा थोड़ा, हम भी फैन है तेरे हमारी। ऐसे ना थी कि ऐसे मिले भैया, मैं तो 100% आपके पास आने वाला था। मेरा एक भाई मतलब दोस्त है, एक भाई भी है वहाँ अशोकनगर में रहता है, जॉब करता हूँ, तो उसको मैंने इतनी बार बोला, मैं चल कह रहा था कि ऑफिस से छुट्टी मिलेगी भैया तो चलेंगे। तो इसका ना मैंने जैसे देखा एक बार, मैंने इसकी एक वीडियो देखी, इसमें ये देख 17 जनवरी का मैसेज है। हाँ जी 17 जनवरी अपने आप मैसेज कर रखा मैंने, घर में चलते हैं ना कोना लग जाता है, बहुत दर्द होता है। यहाँ तो पूरा सो जा गया था रात रात में, अभी भी आ रही है। हाँ ये पूरा भी सो गया, ये टाके वाके हैं क्या? यहाँ गड्ढे हैं इतने मोटा, किस चीज से हमारा दिन उलट पड़ी वहाँ पे? कहाँ की बात है ये? ये मॉडल टाउन की बात है, जिम से निकला था छुड़वाया नहीं?
नहीं वो तो लगातार मारते जा रहे, कॉलोनी वाले को ऐसे खड़ा को पड़ा था, तू आगे आएगा बचाने ऐसे। बहुत बड़ी गलत मार, फिर उसके बाद से पूरी कॉलोनी निकल गई ना बाहर, अपने आप छोड़ दिए, फट गया पूरा, चार पीस हो गए लटके भी, और एक नहीं चारों के पांच चारों के हाथ में डंडे थे ऐसे ऐसे ही। अच्छा जी, रोड वोड तो नहीं मारी गई? तो ये भाई सही था, बॉडी वॉडी से बचा। हाँ, मैं बता दिया उनके पास ना सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस है, आप देखोगे ना ऐसा लग रहा है जैसे नीचे पत्थर पड़ा। पुलिस में क्या बोला तुमने जाके? पुलिस में क्या बोला? आई थी, आई थी पुलिस, उधर वीडियो में भी है, मेरी वीडियो थाने में जाते है ना। हाँ, क्या बोले वो? वो तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर तो होगी, एफआईआर होगी, उन्हें बयान बदल दिया। फिर मैं वो पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से बोल रहे कि ये नहीं लिखना, ये लिखो। तो तूने भाई देख, क्या होता है ना जब भी कोई चीज हमारे साथ हादसा होता है तो तुम अपने लिखित में अपनी मर्जी से लिखो और साइन करो। मैंने नहीं लिखा, लिखवा तो वो खुद साइन करे होंगे तूने। हाँ साइन तो करे। फिर उसके बाद मैं एसपी सर के पास गया, बयान भी दिया। यही तो दिक्कत होती है, मेरा एक भाई, भाई। तूने मेरी वीडियो में देखा हिमांशु नाम का लड़का है जो तूफान वाला था, फिर पैर खराब हो गया। हम क्या हुआ कि रास्ते में एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, मैंने डूब लिया, वो गिर गया, तो गाड़ी वाले ने मार के भाग गया, उन्होंने नंबर वो नोट कर लिया। अच्छा, अब जो आईओ आया उसे सरकारी हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में तुरंत इलाज नहीं मिला, तो इससे ब्लडिंग ज्यादा होगी। अच्छा, तो उसका पैर घुटा हो गया सिकुड़, क्योंकि कुल्ले कुल्ला सूख गया, ब्लड की सप्लाई नहीं मिली। अब उसने जो बयान लिखे ना उसे कह सुन के उधर से कुछ भी लिखवा के साइन करवा ली, ना तो कोई मुआवजा मिला अब, ना कोई किसी को चेयर हुई, क्योंकि साइन मत करा करो कभी भी, जो भी भाई देख रहा है या सुन रहा है कभी भी स्टेटमेंट, हमेशा स्टेटमेंट अपने हाथ से लिख के दो, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाती है, तो अब उस पे रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। थाना कितनी दूर है? यहाँ कैसे अपना घर है रेंट पे? अपना अच्छा सारा कुछ अपना ऊपर के एक रूम बना रखा था। अच्छा, a few moments later, तो भाई गली देखो, भाई का घर मतलब बहुत छोटा सा, हम भी ऐसे से यार 35 गज का भी ना हम जब, हाँ तो मतलब एक लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, जो लोग इसको जानते हैं ना वो इसका स्ट्रगल जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जाके इसका यूट्यूब चैनल चेक कर लेना, पंकज वर्मा फिटनेस। इस लड़के ने ना टेलरी का काम कर करके बोरियां सिलते हुए मैंने कई बार देखा, मुझे किसी शायद फैक्ट्री में काम करता था एज अ टेलर, वहां काम करते करते इसने डाइट ले लेके जिम जा जाके अपना ध्यान रखा है, इस तरह से ग्रो करा है, यहाँ तक आया है, और उसके बाद देखो ये चीजें कौन कर रहा है, अपने साथ वाले। तो भाई जो कहता हूँ समझाता हूँ, पहले माँ बाप है, उसके अलावा किसी का भरोसा नहीं है, किसी से बचना है तो अपनों से बचो जो आपके सराउंडिंग में। तो भैया ये बात समझा रहा हूँ कि अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों से ही सावधान रहना है, दोस्त जब बहुत अच्छे लगते हैं, जब हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, लेकिन जब उससे आगे निकल जाओ ना, जब जब ऐसे डसते हैं ना तो वही लोग डसते हैं भाई, ये फैक्ट है। जितने लोगों के साथ गलत होता है, जितने लोगों के साथ विश्वासघात होता है, जितने लोगों को धोखा मिलता है, अपनों से मिलता है, बाहर वाला कभी कोई नहीं देता, और सपोर्ट के नाम पे अपने सबसे पहले भाग जाते हैं। तो भैया अकेले लड़ने वाले हो, ये तो चलो ठीक है भाई है, अब हम थाने ही जा रहे हैं इसके लिए, अब जो भी इसका होगा फैसला, जैसे ही बोलेगा भैया ये चाहिए फैसला चाहिए या उनको जो भी सजा दिलवानी है, वैसे हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे भाई, देखो हम कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, जो हम बोलेंगे वो होगा, जो जो ये चाहेगा उसकी उस तरह से इसकी हेल्प कर देंगे, इसकी हेल्प करेंगे जहां तक हो पाएगी। तो सारे भाई से रिक्वेस्ट है, लेकिन हुआ बहुत गलत है इसके साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत चोट आई हुई है। ठीक है, तो चले भैया थाने देख के जाके देखते हैं वहाँ जो भी होता है, थोड़ा लेफ्ट ये कह रहा है, नहर से बहुत डर रहे हैं दोनों भाई, क्योंकि इन दोनों को तैरना नहीं आता। अरे जो मैंग तो फिर भी बच जाएगा, फूल का बाहर आ जाएगा अपने आप है, बॉडी होने कितने नुकसान है, ये भी नुकसान है। कैसे? मैं तो तैर के आ जाऊंगा, तैर जाएगा, मैं नहीं तैर पाऊंगा, ये ऊपर तैर जाएगा फुटबॉल अपने आप। भैया ये अंकल जी हैं हमारे, पंकज भाई के पापा जी, ये तो देखो अंकल जी इतने सीधे हैं हमारे, अंकल जी भी हमारी बहुत, अंकल जी कह रहा हूँ आंटी जी भी हमारी बहुत सीधे, पंकज तो भाई देखो कितनी उम्र है तेरी? मेरा अभी 23 23 साल बालक ही है। ये अंदर क्या हुआ भाई बता दूं मैं, वो अंदर वाली बात बड़े वाला भाई, अंदर जिन्होंने इसको मारा है वो लड़के तो हाथ आए नहीं है, पुलिस ने उठाए नहीं, पता नहीं चार लड़के पकड़ रखे हैं, पैसे दे के बिठाए या वो साले जेब कतरे हैं पता नहीं कौन है। पुलिस ने ये कहा कि तुमने रिपोर्ट करी और हमने चारों लड़के उठा लिए,
अब जब यहाँ आए तो पंकज ने उनकी शक्ल देखी, किसी ने बोला कि भैया ये वो लड़के नहीं है जिन्होंने मुझे मारा। तो वो लड़का कह रहा ठीक से देख मैंने ही तो मारा था। ऐसे ही बोल मतलब टोपी किसी आदमी को क्राइम में किसी का नाम आ रहा है तो क्या वो ये बोलेगा अगर आपने किसी को मारा है और जो पिटा है वो कहते हैं आपने नहीं मारा, तो क्या आप कहोगे कि भाई ठीक से देख ले पुलिस के सामने, ठीक से देख मैंने तो मारा था। वो तो चार लड़के फेक थे जिनके नाम इसने दिए रिपोर्ट में लिख के, वो गायब है। तो अब ये आप अपना दिमाग लगा लो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें क्या हुआ है। चारों उनको उठाया नहीं जिसका इसने नाम लिख के दिया है कि भाई, और ऊपर से जो हमारे आईओ साहब हैं वो ये कह रहे अगर मैं उन्हें उठा लूं और अगर उन्होंने ये दिखा दिया वो तो जिम में थे। तो जहां तक मुझे कानून समझ में आता है, हमारे साथ एक पुलिस वाले भाई साहब भी है, तो मुझे ये समझ में आता कि अगर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जिम में थे, सीसीटीवी दिखा देते, ये चीज दिखाई जाती है कोर्ट में। आपको अगर किस विक्टिम है उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, सर में इतनी चोट मारी, इतनी ब्लीडिंग हुई है, तो जिनके जिनका नाम वो ले रहा है, आपका काम ये है कि उनको आप थाने बुला के लाओ, इसको पूछो कि क्या इन्होंने मारा था, ये बोलेगा इन्होंने ही मारा था, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि नहीं हो रही है। और हमारा भाई यूपी होता तो हम थोड़ा सा वो करते, या दिल्ली होता तो रूबल भाई की थोड़ी हेल्प मिलती, लेकिन पानीपत में भाई हम तो इसके लिए तो भाई थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, और जहाँ तक जितनी होगी करेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जो सिस्टम है बड़ी मुझे थोड़ी सी दिल मेरा टूटा आज देख के, कि एक आदमी ये कह रहा मुझे चार लोगों ने इन्होंने मारा है, उनको तो घर बिठाया हुआ है, दूसरे चार लोग ला के जबरदस्ती थोप जा रहे हैं, इन्होंने तो मारा था। तो वो भी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, झगड़ा कहाँ हुआ था? झगड़ा कहीं और हुआ था, झगड़ा कहीं और, लोकेशन की और बता, पहचाना ही नहीं किसी को, पीटे। मैंने पूछा कि जानते हो मेरे को, नहीं नहीं जानता मैं, जगह भी गलत बता। उन्होंने पीटा वो ये करे भाई तू कौन है, इसको कौन है भाई, मैं ही तो जो पीटा था, जब पीटा है तो जाना चीनेगा ना भाई। पिटाई हुई है इसकी पश्चिम में, वो बता रहे हैं दक्षिण में, कि दक्षिण में तुझे नहीं मारा था मैंने, उल्टा बता रहा है। तो पुलिस वाले भाई साहब ने बोला ओए चुप रहे, तुझे बोलने किसने बोला, मतलब तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और किसी भाई ने हमारे फोन निकाल दिया, तो पुलिस वाले भाई साहब ने हमारे सारों ने फटाक से लाइट बंद कर दी कि कल को ये चारों लड़के गायब हो गए तो पांच रुपए के लाएंगे। तो भाई ये सिस्टम है, पर लेट्स सी जो भी होगा अंकल जी, घर पहुंचो आराम से, ठीक है, ध्यान रखो, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन फ्री। तो भाई ऐसा है, भाई को हमारे फुल सपोर्ट है, सारे भाई जितने भी देख रहे हैं पूरा सपोर्ट देना भाई को, भाई सपोर्ट को करो भाई, फुल बहुत चोट लगी है, पानीपत से भाई फुल सपोर्ट है पंकज भाई को, बहुत चोट लगी हुई है, पर भाई स्ट्रांग है लड़का अपना, ठीक है, दोबारा कमबैक करेगा बहुत बढ़िया बॉडी के साथ, थोड़ा सा रिकवर कर ले, मुझे बस सपोर्ट में खड़ा होने वाला कोई चाहिए था, अभी आ गए हैं, कोई दिक्कत ना है, अभी पीछे हटने वालों में से मैं भी नहीं हूँ, पूरी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट दे बॉडी को, भी जल्दीबाजी मत करियो, बाकी ठीक है। स्पेशल भाई को थैंक्स, राजवीर भाई स्पेशल आए हैं, स्पेशल आया भाई, राजवीर भाई को दिल से सलूट है भाई के लिए, थैंक यू भाई, रूबल भाई के लिए भी दिल से सपोर्ट है भाई, चल ठीक है भाई, थैंक यू भाई, चल पंकज जी, ठीक ओके। तो भाई इन शॉर्ट देखो हम आ गए घर, क्योंकि कल हमारा खुद का कोर्ट का काम है, तो वैसे रुकने का प्लान था, पर जैसे मैंने बताया कि कल कोर्ट का काम है तो वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरों के घर में दीपक जब जलाओ तब अपने घर में जल जाए, क्योंकि अपना ही बुझ जाएगा तो दूसरे घर में कैसे जलाओगे, ठीक है। सौ बात की बात है, लकड़ी की पड़ी झाड़ में चलो टुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, पहाड़ पे घूम कर आओ। तो भाई बैठो भाई, इतना मतलब ऐसी कॉमेडी हो गई आज, चार लड़के खड़े हुए हैं, एक बंदे ने उनकी फोटो खींची तो उससे कह रहा तेरे को पता हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और पंकज मना कर रहा कि ये वो लड़के नहीं है जिन्होंने मुझे पीटा है, वो कह रहे हैं हमने मारा है, अरे ठीक से पहचानना मैंने तो मारा था, जब जिंदगी बर्बाद ना होनी जेल जाने को तैयार है। तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं भाई, भाई ने थोड़ा सा समझाया यू साहब को हमारे, तो देखो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बना है, और भगवान करे जल्दी भाई को इंसाफ मिले, लेकिन भाई की गलती ये थी कि कोच के साथ कुछ भी उसकी अनबन हुई है, घर की बातें कई बार घर में रहती हैं, जरूरी नहीं हर चीज सोशल मीडिया पे बताई जाए, कितनी बार हमारी भी आपस में नाराजगी हो जाती है बहुत सारे भाइयों से बहुत सारे दोस्तों से, तब उसमें जरूरी नहीं ना हम आके ये बोले कि भाई हमारे दोस्त के साथ हमारी इस बात भी बिगड़ गई उस बात भी बिगड़ गई, और टाइम ऐसा है हर इंसान ईगो लेके बैठा, हर इंसान नफरत लेके बैठा, मन खाने में इतनी गर्मी है, कौन इंसान का कौन सा गुस्सा कहाँ निकाले, तो थोड़ा सा भाई बच के रहो और अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, और भाई देश से प्यार करो, और कल हम थोड़ा सा काम में बिजी है, या तो शाम को आ जाएंगे पंकज के पास या परसों आ जाएंगे दोबारा, है ना, लकड़ी लिए आधी तो लेंगे ना पूरी लेंगे जब तक भाई हमारा सेटिस्फाई ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच, सारे भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो और भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि हम ये चाहते हैं जैसा इसके साथ हुआ है वैसा किसी के और के साथ ना हो, और दूसरों को करने, करने वालों को भी ये दिख जाए कि हाँ अब ये चीज जैसे फैल रही है, मुझे किसी की पिटाई करना है तो मुझे भी याद रहेगी यार
ऐसे एक लड़का और पिटा था उसकी उनके साथ इतना ऐसे हो गया था, उसको जस्टिस मिल गया था, तो भाई हम भी ना फंसे इस डर से, हम भी नहीं करेंगे। तो ये मैसेज जाना चाहिए समाज में, जरूरी है, क्योंकि भाई इंसान ऐसे सोचते हैं कि हम पैसे वाले, सामने वाला गरीब है, जितना मर्जी मार लो, इसी कौन सुन रहा है। तो वही चीज हुई है, चार लड़के फेक खड़े कर दिए और वो जेल भी जाने को तैयार है, तो उनको पैसा मिला जब ना। तो यही है भाई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और ऐसी सपोर्ट करो भाई को, और जहां भी तुम पहुंच सको या मदद कर सको किसी की, करो। तो कभी भी झिझको मत करो, जो आप यूनिवर्स को देते हो ना वो ही यूनिवर्स आपको लौटा के देता है। बुरा करोगे किसी के भी साथ, यूनिवर्स आपके साथ बुरा ही करेगा। किसी के साथ अच्छा करोगे तो किसी मुसीबत में आप फंसोगे। आपने किसी की कहीं मदद करी होगी तो उसका हिसाब यूनिवर्स आपको करके दे देगा। तो आप देखोगे आप भी किसी मुसीबत में फंसे हो, आपके लिए भी कहीं ना कहीं से हेल्प आ गई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कैमरा मैन बहुत ज्यादा थक रहा है, तो भाई वीडियो खत्म करते हैं। लव यू ऑल, मत पड़ो चक्कर में, कोई चक्कर में भाई।